लखनऊ से बड़ी खबर है। कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। नादरगंज मोड़ पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर हुई है और हादसे में ट्रक में बैठे कई लोग घायल हुए हैं। ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को भर्ती कराया गया है। सरोजनी नगर के नादरगंज मोड़ की घटना बताई जा रही है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। नादरगंज मोड़ पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में ट्रक में बैठे कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और ट्रक में फंसे लोगों को फिलहाल बाहर रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है और नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों को भर्ती भी कराया गया है। सरोजनी नगर के नादरगंज मोड़ के पास में ये घटना हुई। से हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। मयूर, भीषण सड़क हादसा हुआ है लखनऊ कानपुर हाईवे पर, किस वक्त की यह घटना है और फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल धीरेन्द्र, लखनऊ का सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो नादरगंज मोड़ है वहां पर जो दो बड़े ट्रक है वो आमने सामने भिड़ गए हैं। बहुत ही जोरदार टक्कर है, जो सुबह की ये घटना बताई जा रही है। टक्कर होने के बाद जो एक ट्रक है वो अनियंत्रित होकर जो एयरपोर्ट है सरोजनी नगर में उसके सामने बिजली का खंभा लगा था, उसमें जाकर वो टकरा गया और बुरी तरह जो दोनों ट्रक है वो टूट फूट गई है। उसके बाद एक्सीडेंट के बाद जो ट्रक में बैठे लोग थे, चाहे वो ड्राइवर हो क्लीनर हो, दोनों ट्रक के लोग जो थे आपस में चूंकि टक्कर हुई थी तो आगे का जो हिस्सा है ट्रक का वो धस गया है। तमाम लोग जो अंदर बैठे थे वो उसके अंदर फंस चुके थे। तो काफी मशक्कत के बाद वहां पर दमकल की गाड़ियां आई, उसके बाद पुलिस की गाड़ियां आई और काफी दो घंटे तक उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उसके बाद उनको वहां से ट्रक को काट के आगे से उन लोगों को वहां से निकाला गया है और अब सुरक्षित उनको करीब दो घंटे हो चुके हैं इस मामले को, और जो है उनको अब सरोजनी नगर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर उनको भर्ती कराया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना आज सुबह ये हुई है। जिस तरीके से अच्छी बात ये है कि इसमें किसी की जान नहीं गई है, बस चोटिल हुए हैं लोग, और इस तरीके की घटना लगातार जो है लखनऊ में होती चली जा रही है, क्योंकि जो ट्रैफिक है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में सक्षम पुलिस नजर नहीं आ रही है। कोई समय के अकॉर्डिंग जो चीजों को जो गाड़ियों को अनुमति दी गई है कि रात के बाद ट्रक उस एरिया से गुजरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कभी कदार रॉन्ग साइड पर आने की वजह से इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। आज जो बड़ी ट्रक आपस में टकराई है, कल का कोई छोटी गाड़ी अगर ट्रक के नीचे आ गई तो किसी की जान भी जा सकती है। तो ट्रैफिक को कहीं ना कहीं फॉलो करना होगा ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो सके। धीरेन्द्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।